हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश, और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं CEA रेगुलेशंस के बारे में। CEA स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, विच कम्स अंडर द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड सेफ्टी मेजर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सिस्टम। सो कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एज एन इलेक्ट्रिकल प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये आपका जनरेटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। सो एवरी जनरेटर विच इज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, सो वो उसका जो रिलेवेंट IS एंड IEC स्टैंडर्ड है, जो कि 634 सीरीज़ का स्टैंडर्ड है, उसके साथ वो कंप्लाई करता हुआ चाहिए। सेकंड पॉइंट है कि जो जनरेटर है उसका इफिशियंसी जो है एट रेटेड लोड 98% से ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, जनरेटर के अंदर जो इंसुलेशन लगा हुआ है, जिसका इंसुलेशन का थर्मल क्लास है F। अभी क्लास F इंसुलेशन जो है उसका मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर है 155 डिग्री। सो क्लास F का इंसुलेशन हमने लगाया हुआ है। सो क्लास बी टेम्परेचर तक टेम्परेचर राइज उसका परमिसिबल है। अभी क्लास बी टेम्परेचर का रेंज है 130 डिग्री। सो क्लास एफ का इंसुलेशन यानी कि 155 डिग्री है। सो उस 155 डिग्री पे इंसुलेशन को डिज़ाइन किया गया है। अभी टेम्परेचर राइज हमें 130 तक मेंटेन करना है, उससे आगे टेम्परेचर का राइज नहीं होने देना है, उसके पहले हमें करेक्टिव एक्शंस लेने हैं। फिफ्थ पॉइंट है, जनरेटर जो है उसका कूलिंग का सिस्टम हाइड्रोजन कूलिंग भी हो सकता है, हाइड्रोजन प्लस वाटर कूलिंग भी हो सकता है, और एयर कूल टाइप जनरेटर सिस्टम भी हो सकता है। नेक्स्ट रेगुलेशन है, अभी जनरेटर जो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, सो जनरेटर के अंदर वाइंडिंग है, स्टेटर वाइंडिंग एंड रोटर वाइंडिंग। सो वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है, सो उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए हम RTD यानी कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो एज वेल एज बेरिंग है, सो बेरिंग का टेम्परेचर कितना है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए हम RTDs का इस्तेमाल करते हैं। सो ये RTD का कंस्ट्रक्शन है। RTD के अंदर हम प्लेटिनम वायर कोयल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट पॉजिटिव टाइप का है, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे रेजिस्टेंस भी उसका बढ़ता जाएगा। सो RTD को हमें लगाना है टेम्परेचर डिटेक्शन करने के लिए जनरेटर वाइंडिंग के अंदर एंड बेरिंग के अंदर एस रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी आपका जो जनरेटर है उसके अंदर AVR यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर आता है, जो कि जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अभी एज पर रेगुलेशन जनरेटर के अंदर 2 नंबर ऑफ AVR होने चाहिए एक दूसरे की रिडंडेंसी के लिए। इन केस अगर कोई एक AVR फेल होता है देन स्मूथ ऑटो चेंजओवर होकर दूसरा AVR पे सिस्टम कंटिन्यू करना चाहिए। सो ये एज पर रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है HT यानी कि हाई टेंशन स्विच गियर आपका सिस्टम है, सो उसके अंदर हमें SF6 ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो SF6 में सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का गैस भी कहा जाता है। सो ये वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर ये फिक्स कॉन्टैक्ट है एंड ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, बीच में वैक्यूम रहेगा। सो वैक्यूम जो है एज अ आर्क क्विंचिंग मीडिया काम करेगा। सो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एज वेल एज ये SF6 ब्रेकर है, तो ये फिक्स कॉन्टैक्ट है एंड ये मूविंग कॉन्टैक्ट है। सो सराउंडिंग ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं उसमें उसके अंदर SF6 गैस प्रेजेंट रहेगा। सो HT सिस्टम यानी कि HT स्विच गियर जो है उसके अंदर हमें SF6 ब्रेकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या तो वैक्यूम टाइप सर्किट ब्रेकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर रेगुलेशन। सो HT सिस्टम रहेगा आपका 3.3 kV, 6.6 kV, 11 kV एंड 33 kV। नेक्स्ट रेगुलेशन है,
अगर 415 वोल्टेज यानी कि LT स्विच गियर का आपका सिस्टम है तो उसके अंदर हमें एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करना है एज़ पर रेगुलेशन। सो ये आपका ACB का मॉड्यूल है। सो ये आपका एयर सर्किट ब्रेकर का कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, एंड ये आप देख रहे हैं ये आर्क च्यूट है। सो ये आर्क च्यूट क्या करेगा, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, जब भी हम ब्रेकर को ओपन करेंगे देन दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में आर्क प्रेजेंट होगा, देन आर्क जो है ये आर्क यहाँ पे स्प्लिट होगा, आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ेगा एंड आर्क क्विंच हो जाएगा वहाँ पे। सो LT स्विच गियर के अंदर हमें ACB यूज़ करना है एज़ पर रेगुलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अभी हमारे सिस्टम के अंदर हमने जो अर्थिंग ग्रिड इंस्टॉल किया है, सो मिनिमम लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है अर्थिंग ग्रिड का वो 40 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम, एज वेल एज मैक्सिमम फॉल्ट करंट अर्थिंग ग्रिड का डिज़ाइन होना चाहिए 40 किलो एम्पियर फॉर 1 सेकंड, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये आपका अर्थिंग ग्रिड है जो हमने इंस्टॉल किया है। सो नेक्स्ट रेगुलेशन है, अभी हम पावर केबल्स एज वेल एज कंट्रोल सर्किट के अंदर जो केबल यूज़ करते हैं वो FRLS यानी कि फ्लेम रिटार्डेंट लो स्मोक टाइप के होने चाहिए। सो फायर रिटार्डेंट केबल क्या करेगा कि जब भी अगर फायर होता है सो फायर को आगे बढ़ने से वो रोकेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट करेगा, यानी क्या होगा कि फायर का जो एरिया है वो बड़ा नहीं हो जाए एंड स्मॉल एरिया में वो एक्सटिंग्विश हो जाए। सो फायर FRLS केबल हमें यूज़ करने हैं पावर एंड कंट्रोल सर्किट के अंदर। नेक्स्ट रेगुलेशन है, अगर आपका पावर ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेटिंग 220 kV या उससे हायर है सो उसके अंदर हमें फायर प्रोटेक्शन के लिए N2 फायर प्रोटेक्शन सिस्टम इंस्टॉल करना है एज़ पर रेगुलेशन रिक्वायरमेंट। सो ये N2 प्रोटेक्शन सिस्टम का ओवरव्यू है। सो इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि अगर एक्सप्लोजन अंदर हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर, सो हाई प्रेशराइज कंडीशन में PRB ऑपरेट होगा एंड नेक्स्ट क्या होगा कि ऑयल यहाँ से बाहर आएगा एंड कवर कंडीशन में ऑयल पीट है उसके अंदर वो ड्रेन हो जाएगा। सेम कंडीशन पे ऑयल यहाँ से ड्रेन होता जाएगा एज वेल एज नीचे से N2 इंजेक्ट होता जाएगा एंड अंदर जो आग लगी हुई है उसको वो एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करेगा। सो 220 kV सिस्टम या उससे हायर वोल्टेज का आपका पावर ट्रांसफार्मर है सो उसके अंदर फायर एक्सटिंग्विश करने के लिए हमें N2 सिस्टम इंस्टॉल करना है एज पर रेगुलेशन। नेक्स्ट रेगुलेशन है, आपके जितने भी मोटर्स हैं जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं सो हर एक मोटर का मिनिमम इंग्रेस प्रोटेक्शन जो है वो 55 होना चाहिए एज पर रेगुलेशन। एंड हजारस एरिया में कहीं पे आपका मोटर लगा हुआ है देन उसका रेटिंग यानी कि उसका एक एनक्लोजर जो है वो फ्लेम प्रूफ होना चाहिए एज वेल एज डिफरेंट भी हो सकता है एज पर रिलेवेंट स्टैंडर्ड। अभी IP का मीनिंग होता है इंग्रेस प्रोटेक्शन एंड 55 यानी कि फर्स्ट डिजिट है सॉलिड प्रोटेक्शन के लिए एंड सेकंड डिजिट है मॉइस्चर प्रोटेक्शन के लिए। फर्स्ट डिजिट में 5 का मीनिंग है आपका इक्विपमेंट डस्ट से प्रोटेक्टेड है यानी कि उसके अंदर डस्ट इंग्रेस होगा बट इतना इंग्रेस नहीं होगा जिससे आपके इक्विपमेंट के ऑपरेशन में कोई इफेक्ट आए या कोई हार्मफुल इफेक्ट आएगा। सेकंड डिजिट में 5 का मीनिंग है कि आपके इक्विपमेंट के हर एक तरफ से अगर वाटर का जेट मारा जाता है आपके इक्विपमेंट के ऊपर देन 3 मिनट्स तक आपके इक्विपमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, डैमेज नहीं होगा। नेक्स्ट रेगुलेशन है कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी DC वोल्टेज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे कि कंट्रोल सर्किट के लिए हमने 220 वोल्ट DC का इस्तेमाल किया है एंड इंस्ट्रूमेंट सप्लाई के लिए 48 वोल्ट एंड 24 वोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सो DC सिस्टम के लिए 220 वोल्ट, 48 वोल्ट एंड 24 वोल्ट ही यूज़ किए जाने चाहिए, इसके अलावा कोई भी वोल्टेज नहीं होना चाहिए, 110 वोल्टेज भी यूज़ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट रेगुलेशन है, जितने भी AC मोटर्स यूज़ किए गए हैं आपके सिस्टम के अंदर वो सभी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर टाइप के होने चाहिए एज वेल एज ऑन DOL स्टार्टर के लिए सूटेबल होने चाहिए। सो ये फिगर जो है ये स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का है, स्क्विरल केज रोटर है एंड जितने भी DC मोटर्स आपके सिस्टम के अंदर यूज़ किए गए हैं वो सभी शंट टाइप वाउंड होने चाहिए, सीरीज टाइप वाउंड नहीं होने चाहिए।
सो ये शंट टाइप वाउंड का डीसी मोटर का फिगर है, डायग्राम है। इसके अंदर आर्मेचर एंड फील्ड वाइंडिंग दोनों पैरेलल कंडीशन में है। सीरीज मोटर में ये दोनों सीरीज में होना चाहिए। सो सभी डीसी मोटर्स जो आपके सिस्टम में लगे हुए हैं वो शंट वाउंड टाइप होने चाहिए। लास्ट पॉइंट है, अगर आपका मोटर का इंसुलेशन का डिज़ाइन क्लास बी या क्लास एफ इंसुलेशन टेम्परेचर पे है, सो क्लास बी टेम्परेचर यानी कि 130 डिग्री सेल्सियस एंड क्लास एफ इंसुलेशन टेम्परेचर 155 डिग्री टेम्परेचर। सो आपके मोटर का जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। सो हमें मॉनिटर करना है कि हर एक मोटर का टेम्परेचर 70 डिग्री तक ही उसका टेम्परेचर राइज लिमिटेड रखना है। सो इतने रेगुलेशन आज के वीडियो में हमने देखे, और भी रेगुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग। थैंक यू।